देश के आम चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक जोर का झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दे दिया और इसे फौरन बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने ये साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और ये असंवैधानिक हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 2019 से हर पॉलिटिकल पार्टी को मिले चुनावी बॉन्ड की इंफॉर्मेशन 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे दे और चुनाव आयोग ये जानकारी 31 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए। The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme. State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. Prime Minister keeps on saying, where is the scam, where is the scam, or where it is now, Modi ji, right in front of your eyes, your scam, this government scam, the scam that you used for the purposes of political aggrandizement. चुनावों का सीजन है और देश के हर मतदाता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर चुनावी बॉन्ड होते क्या हैं, इन्हें क्यों लाया गया, आखिर चुनावी बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फायदा होता है, क्या इससे देश के मतदाता की सोच पर कोई असर पड़ता है, क्या चुनावी बॉन्ड में ब्लैक मनी होती है। चुनावी बॉन्ड से जुड़े ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के इस वीडियो में। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? दरअसल चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से देश का कोई भी मतदाता या कोई भी कंपनी खरीद सकती है। इस बॉन्ड के जरिए देश का कोई नागरिक या कॉर्पोरेट कंपनी अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को पैसा डोनेट कर सकती है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2017 के बजट के साथ चुनावी बॉन्ड की योजना लेकर आई। 29 जनवरी 2018 को मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को नोटिफाई किया और इसी के साथ इसे लागू कर दिया गया। चुनावी बॉन्ड का मकसद क्या था? चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त मोदी सरकार ने यह दावा किया था कि ये इलेक्टोरल फंडिंग में एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी। इससे पहले चुनावी चंदे में काफी ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता था और चुनावी बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी को रोकने और केवल व्हाइट मनी के जरिए चुनावी चंदा देने का पूरा प्लान किया था मोदी सरकार ने। राजनीतिक दलों को क्या फायदा है? कोई भी भारतीय नागरिक, कॉर्पोरेट या कोई भी संस्था चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में रखकर ये पैसा हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे जिनका केवाईसी वेरिफाइड होता था। लेकिन इस चुनावी बॉन्ड पर किसने चंदा दिया है, किसने पैसा दिया है, उसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी और यही बात सुप्रीम कोर्ट को खटक गई। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार इस योजना को चुनावी चंदे में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन इसको सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी राजनीतिक दल को कोई चंदा देना चाहता है तो उसे अपना नाम मुहैया करवाना होगा, वो जानकारी बैंक और चुनाव आयोग को पब्लिक करनी होगी। लेकिन क्या ये गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? दरअसल ये पूरा केस गोपनीयता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सूचना के अधिकार को गोपनीयता के अधिकार से ऊपर माना। अब जरा आपको यह भी बता देते हैं कि इस योजना के लागू होने के बाद यानी 2018 से किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना पैसा मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6,566 करोड़ से ज्यादा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1,123 करोड़ से ज्यादा, तृणमूल कांग्रेस को 1,092 करोड़ से ज्यादा, बीजू जनता दल को 774 करोड़ रुपए, डीएमके को 616 करोड़, भारत राष्ट्र समिति को 383 करोड़ से ज्यादा, YSRCP को 382 करोड़ से ज्यादा, TDP को 146 करोड़ से ज्यादा, शिवसेना को 101 करोड़ से ज्यादा और आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेट की गई थी। लेकिन देश का मतदाता होने के नाते मेरा भी अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दूं। वैसे मैं बहुत हैरान हूं क्योंकि 2018 में जब यह स्कीम लाई गई थी तो मुझे और मेरे जैसे कई मतदाताओं को, कई कंपनीज को, कई कॉर्पोरेट्स को यह वादा किया गया था कि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देते हैं
पैसा डोनेट करते हैं तो हमारा नाम गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमारे जैसे कई डोनेटर्स का नाम पब्लिक होने वाला है। क्या यह गलत नहीं है? क्या मेरी गोपनीयता के अधिकार पर यह चोट नहीं है? यही नहीं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुझे और ज्यादा हैरान करता है। अगर आज की तारीख में मैं या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि चुनावी बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए हैं और अगर मैं किसी को कैश दूंगा तो उसे ब्लैक मनी माना जाएगा। एक और सवाल, अगर मेरा और आपका नाम पब्लिक हो जाता है तो क्या पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा कि मेरा वोटिंग प्रेफरेंस क्या है? मान लीजिए कि मैंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट किया और अगर वो जानकारी पब्लिक होती है तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैं अपना वोट उसी पॉलिटिकल पार्टी को देने वाला हूं। ये मेरे गोपनीयता के अधिकार पर चोट है। यही नहीं, देश के कई सारे कॉर्पोरेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, उनकी आइडेंटिटी भी उजागर हो जाएगी और इससे उनके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस भी पता चलेंगे और ये देश की सोसाइटी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को काफी हद तक पोलराइज कर देगा, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगने के बाद राजनीतिक दलों को चंदा मिलेगा कैसे और लोकसभा चुनावों पर इसका क्या असर होगा? इन सवालों के जवाब बहुत ही जल्द हम सबको मिलने वाले हैं। मैं हूं पारस कोचारी और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें और उनका एनालिसिस जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।